मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास पर एक बाइक स्लिप होने से दो युवक बुरी तरह से घायल हो गए। इन दोनों युवकों के नाम यासीन शेख और फरहान हैं, जो इस लॉकडाउन के दौरान रियाज चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से खाना ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते थे। बाइक स्लिप होने की वजह से इन लोगों की बाइक स्लिप मुमरा बाईपास सम्राट नगर हनुमान मंदिर के पास हुआ है। दोनों युवकों को गंभीर चोटें लगी हैं। दोनों युवकों के जिस्म से कई जगह से खून भी निकल रहे थे। वहीं घायल दोनों युवकों को इन्हें बुरहानी अस्पताल, उसके बाद प्राइम अस्पताल में ले जाया गया, क्योंकि इन दोनों अस्पतालों में किसी ने भी इन दोनों घायल युवकों को हाथ तक नहीं लगाया। सिर में चोट लगने की वजह से काफ़ी खून बह रहा था और अस्पताल में भी कम से कम इनका फर्स्ट एड तो करना चाहिए था, मगर इन दोनों अस्पतालों ने इमरजेंसी के वक्त में भी इन दोनों युवकों की किसी भी तरह से कोई मदद नहीं की। अब इसे लापरवाही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। यासीन के सिर से खून लगातार निकल रहा था और फरहान भी दर्द से तड़प रहा था। इन दोनों अस्पतालों से इलाज न मिलने के बाद ये लोग इन दोनों युवकों को उसी घायल अवस्था में रहमानिया अस्पताल लेकर पहुंचे, मगर वहां भी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। मगर इसके बावजूद रहमानिया अस्पताल में दोनों का फर्स्ट एड किया गया और इन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाने के लिए कहा गया, जिसके बाद दोनों घायल युवकों को कालशेखर अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि कालशेखर अस्पताल में कोरोना संक्रमित इलाजों के लिए घोषित किया गया है, मगर अभी तक इसमें एक भी कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती नहीं है। इसीलिए दोनों युवकों के हालात को देखते हुए कालशेखर अस्पताल ने दोनों युवकों को उपचार के लिए भर्ती किया और दोनों युवकों को काफ़ी मार लगी हुई थी। यासीन के सर से खून भी निकल रहा था। यासीन के सिर में 4 से 5 टाके भी लगे हैं। अस्पताल वालों ने घायल युवकों को इलाज के लिए क्यों नहीं लिया? जो लोग अस्पताल ले गए थे, हमने उनसे बात की है, सुनिए अजीम ने क्या बताया। जो रिलीफ का काम चालू है उसके वॉलंटियर्स है, एक फरहान है, एक समीर यासीन शेख है। ये दोनों कुछ किसी से पेमेंट लेना था, बुलाया था किसी ने उन लोगों को, वहाँ पर गए हुए थे, रिटर्न आ रहे थे। टर्निंग के पास जहाँ रोड काफ़ी चिकना है वहाँ पे गाड़ी स्लिप हुई और दोनों हादसाती तौर पे गिर गए। एक हादसा था, उसके बाद जब उनको लेके वहाँ के मुकामी साथी लेके आए और मुझे खबर किया, लेके हम लोग बुरहानी हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि इसका कम से कम, अगर आपके पास कोई फिजिशियन नहीं है या डॉक्टर सर्जन नहीं है, तो आप कम से कम फर्स्ट एड कर दो कि जो ब्लड यासीन को जो पेशानी पर चोट लगी थी, बुरी तरह से खून जा रहा था, कि कम से कम इसका खून रुक जाए। लेकिन उन लोगों ने साफ मना कर दिया, गेट के अंदर एंटर तक नहीं किया। आके किसी ने वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ हॉस्पिटल खुला हुआ था, लेकिन ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनकी लापरवाही कही जाएगी कि वो आके देखे नहीं। हमने दूसरी जगह कोशिश किया कि चलो प्राइम क्रिटिकल केयर लेके चलते हैं, लेकिन उन लोगों ने भी वही मामला किया। प्राइम क्रिटिकल केयर वाले पहले भी इसी तरह के तरीके से लोगों को फर्स्ट एड देने से इनकार, और आज मेरे साथ खुद ये मामला हुआ कि मेरे वॉलंटियर्स को वहाँ पर फर्स्ट एड नर्सिंग स्टाफ होने के बावजूद भी, हॉस्पिटल स्टाफ होने के बावजूद भी, उन लोगों ने किसी तरीके का कोई फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट उनको दिया नहीं और खून उसी तरह से बहता रहा। जो बाइक पे लेके उसको वसी भाई थे, वसी भाई का पूरा शर्ट भीग गया। जब मैं रहमानिया के पास उसको बाइक से उतारा तो पूरी सीट पे खून जमा हुआ था, इतना खून गया था। लेकिन उसको फर्स्ट एड देने की जहमत प्राइम क्रिटिकल केयर वालों ने भी नहीं की और साफ तौर पर इनकार करके भेज दिया। और उसके बाद इंसानियत दिखाई रहमानिया वालों ने कि डॉक्टर के ना होते हुए भी फर्स्ट एड उनके RMO ने दिया और कहा कि हमारे पास फिजिशियन या सर्जन नहीं है, आप लेके इसको कहीं और चले जाओ। पता किया कि कालशेखर में वालों ने बोले कि ठीक है, यहाँ लेके आ जाइए, हम कर देंगे। यहाँ लेके आए और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने बड़ा ताउन किया और फौरन उनका इलाज शुरू किया। तो मेरी इन हॉस्पिटल्स के इंतज़ामिया से भी यही दरख्वास्त है और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी कि ऐसी लापरवाही ना बरतें। उनको कोई भी पहुँचता है, आम नागरिक भी पहुँचता है, कोई भी है, उसका फर्स्ट एड कम से कम करें ताकि आगे खतरे से। जो दोनों लोग घायल हुए हैं, इनको कितना मार क्या ज़्यादा इनको चोट लगी है, कुछ टाके वाके भी लगे हुए क्या? इनको ऊपरी चोट है जिसको कि फर्स्ट एड के उससे कवर किया जा सकता था, जो ब्लड बाकी पेशानी पे जो चोट है और एक दूसरा जो फरहान है उसको जो लगी है पैर में, तो उनको स्ट्रेचेस की ज़रूरत है। लेकिन स्ट्रेचेस से पहले कम से कम जो खून जा रहा था उसको रोकने के लिए फर्स्ट एड दिया जा सकता था, जो रहमानी वाले ने दिया। और अब ये लोग उसको मुकम्मल तौर पर उनका इलाज करें, इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। बात हुई मेरे डॉक्टर से, टाका जो पेशानी पे यासीन को है वो लग रहा है, और उन्होंने इसी वजह से, बल्कि मैं गया था कि हाँ उनका कुछ बात कर लूँ,
तो बात नहीं हो पाई क्योंकि उनको टाके लग रहे हैं। बहरहाल दोनों युवकों का इलाज कालशेखर अस्पताल में चल रहा है, वहीं मगर इन अस्पतालों की भी लापरवाही सबके सामने आई है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।